राज्य की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या हमीरपुर में छात्राओं के अभिभावकों को रिपोर्ट कार्ड दिए गए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि उनके बच्चे परीक्षाओं के लिए कितने तैयार हैं। हालांकि रिपोर्ट कार्ड में उन्हें क्या ग्रेड मिला है इस बारे में छात्राओं को भी कोई जानकारी नहीं थी। वार्षिक परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि स्कूल की कमजोर छात्राओं की एक घंटा अलग से क्लास ली जाएगी और इसके लिए छात्राओं के अभिभावक भी मान गए हैं। उल्लेखनीय है कि कन्या स्कूल हमीरपुर में एसएमसी व अभिभावकों की बैठक बुलाई गई थी जिसमें छठी से लेकर बारहवीं कक्षा के अभिभावकों को बैठक में भाग लेने के लिए सुनिश्चित किया गया था ताकि छात्राओं की स्थिति अभिभावकों के समक्ष रखी जा सके। इसके लिए सभी छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड तैयार किए गए थे जिसमें दर्शाया गया था कि उनके बच्चे कौन कौन विषय में कमजोर हैं और उनमें सुधार के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। इसके ऊपर विचार विमर्श किया गया। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि जो कमजोर छात्र हैं उन्हें छुट्टियों के उपरांत सुबह 8 से 9 या फिर शाम को 3 से 4 बजे तक एक घंटे की एक्स्ट्रा क्लास ली जाएगी ताकि स्कूल का रिजल्ट पिछले वर्ष की तुलना में और बेहतर हो सके। बैठक में सभी छात्राओं के अभिभावक आए हुए थे। उन्होंने छात्राओं के पूरे वर्ष की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड भी सौंपा गया। हालांकि इस संदर्भ में छात्राओं को कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। बैठक में छात्राओं के अभिभावकों से भी अपील की गई कि वह छात्राओं को घर में भी पढ़ाने के लिए समय दें ताकि वह अच्छे नंबरों से पास हो सकें। स्कूल प्रधानाचार्य नीना ठाकुर ने बताया कि एसएमसी व अभिभावकों की बैठक आयोजित की गई जिसमें छात्राओं के पूरे वर्ष की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों को जारी किए गए ताकि छात्राओं का रिजल्ट बेहतर हो सके। बहुत से मकसद होते हैं। इस एग्जाम में तो फुल सिलेबस कवर्ड है लेकिन रिवीजन नहीं हुआ है और आगे छुट्टियां आ रही है 10 दिन की, 7 से लेके 17 को अब बच्चे हमारे पास वापस आएंगे और उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं बचेगा कि बच्चों को हम और ज्यादा पढ़ा पाए या कर पाए। एग्जाम जल्दी ही शुरू हो जाते हैं, आप ये जानते हैं। तो ये वाले जो 10 दिन हैं, क्योंकि बच्चा आपके पास रहना है तो आप आके बच्चे की परफॉर्मेंस देखें, कितना बच्चे को 10 दिन तक आप पढ़ा सकते हैं घर में। जो स्कूल आने जाने में बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा है वो टाइम भी आप बच्चे की पढ़ाई में लगा सकते हैं। कम से कम 6-8 घंटे बच्चा लगाता है जब स्कूल आता है और वापस जाता है या स्कूल में रहता है। अब सिलेबस कवर्ड है और टीचर्स का जो पढ़ाना है टीचर्स ने अब वो खत्म हो चुका है। थोड़ा घर में आप पढ़ा के इनको बिठाएंगे पढ़ने के लिए तो एग्जाम का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो पाएगी। रही इस एग्जाम में रिजल्ट की बात, तो क्योंकि रिवीजन इनका नहीं हुआ है तो हो सकता है बहुत अच्छा स्कोर जैसा आप चाह रहे हो वैसा ना हो। एक रिवीजन स्कूल में आने के बाद भी होना है इनका, लेकिन आपको यहाँ बुलाने का एक तो ये मकसद था और दूसरा मकसद ये कि आपको कई बार जैसे कुछ एक पेरेंट्स मेरे पास आए ऑफिस में कि बच्चे को थोड़ा ओवर टाइम सब्जेक्ट्स में चाहिए, तो उसमें हमारे टीचर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है और ओवर क्लासेस चलें तो बच्चियों की सेफ्टी को देखते हुए उसमें फिर आपको हिस्सेदार बनना पड़ेगा बराबर का। और परमिशन अगर आप देते हैं बच्चों को तो उनको ओवर टाइम लगाते हैं। आप देख सकते हो कितना पढ़ा दिया, क्या होमवर्क मिला है, तो हमें थोड़ा आपकी कोऑपरेशन कम मिल रही है अभी तक, जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही। इसलिए ये भी एक मकसद होता है बार बार आपसे बात करने का। यही कुछ प्रॉब्लम्स की बात, तो बच्चियां कई बार जैसे बात आती है डिसिप्लिन को लेके, वो भी आपस में हम हाउस में ये डिस्कशन रखते हैं कि हर चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। अगर डिसिप्लिन में रखना बच्चे को हम सिखाएंगे नहीं, वो सीखेगा नहीं कभी भी। अभी 2 चोटियों की पहले जब शुरुआत की तो उसकी प्रॉब्लम आई, फिर कभी स्वेटर्स की प्रॉब्लम, वो कई बार बच्चे को लेके कंफ्यूजन होती है पेरेंट्स के माइंड में, क्योंकि बच्चा फेयर बात बोलता नहीं है जाके, कई बार ठीक बात नहीं बताते घर में जाके। तो इस ढंग से ये मीटिंग्स का एक मोटिव रहता है, ये उद्देश्य रहता है हमारा कि कोई गैप नहीं रहना चाहिए स्कूल में टीचर्स में और पेरेंट्स के बीच में। इसलिए आपका जुड़ना बच्चे की भलाई में स्कूल के साथ जुड़ा बहुत जरूरी है। और मेरा ये स्पेशल अनुरोध आपसे बार बार रहता है कि ये नहीं कि हम बुलाएं और तभी आप बुलाएं। कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम बच्चे को लेके लगती है हमेशा ही वो सुनाई होती है स्कूल में, आप हमेशा ही आए उसको लेकर।